जैनम जय दुष्काशन। षट आवश्यक ये पाठ अपन करेंगे आज, सब लोग निकाल लीजिए। षट आवश्यक, छह आवश्यक, मुनिराज के भी छह आवश्यक होते हैं और गृहस्थ के भी छह आवश्यक होते हैं। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्यों का नाम है आवश्यक। क्या ऐसे अपन लोग अपने आवश्यक हैं घर गृहस्थी के अंदर? से खट आवश्यक है, खट आवश्यक महिलाओं के अपने पानी भरना, रसोई बनाना, है कि नहीं? चूल्हा चक्की ये सब खट आवश्यक है। गृहस्थ आदमियों के अपने हैं, दुकान खोलना, पैसा कमाना, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है, ये अवश्य करने योग्य कार्य है, बाकी कुछ भी करने योग्य नहीं है। छह हैं ये आवश्यक जो प्रतिदिन करने योग्य है। इसके लिए एक दोहा आता है, देव पूजा गुरुपासनी स्वाध्याय संयम स्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने 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 दिने। ये प्रतिदिन करने योग्य है, रविवार रविवार नहीं है। क्या या वीकेंड है? वीकेंड है। मैं वहां अमेरिका में लोगों को यही कहता था, मैंने कहती थी यहाँ कोई लिखता तो वही यही लिखता कि षट्कर्माणि वीकेंड है, वीकेंड है, शनिवार रविवार है, क्योंकि उनके तो सारे कर्म वही होते हैं ना, तभी होते हैं। पांच दिन तो बाकी कोई अवकाश ही नहीं है, तो इसलिए ये षटकर्म प्रतिदिन करने योग्य है। क्या है ये? देखो निकालो, निकाल लिया आपको मैंने। देखो असली आवश्यक क्या है? असली आवश्यक दो प्रकार के आवश्यक दिए। उसके पहले देखो दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है। दुख से बचने का सच्चा उपाय अपने आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही दुख से बचने का सच्चा उपाय है। और वास्तव में आवश्यक कर्तव्य तो यही है, दुख से यदि अपने को दुख से बचना ही अपना कर्तव्य है। अपन जितने भी काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो सब दुख से बचने के लिए कर रहे हैं। अपने हर कार्य करने के पीछे प्रयोजन क्या है? सुबह मंजन कर काय के लिए, दुख से बचने के लिए। दूध पिया दुख से बचने के लिए, खाना खाया दुख से बचने के लिए, स्नान किया दुख से बचने के लिए। हर काम दुख से बचने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी दुख से बचते नहीं हैं। सुखी होने के लिए काम करते हैं लेकिन सुख प्राप्त होता नहीं। तो वो कहते हैं सुखी होने का असली उपाय हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते। सुखी होने का असली उपाय क्या है कि अपने आत्मा को समझना, उसमें लीन होना, यही सुखी होने का उपाय है। इसमें रत्नत्रय आ गया, अपने आत्मा को समझना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और उसमें लीन हो जाना सम्यक चाय, यही सुखी होने का उपाय है। असली कर्तव्य तो अपना यही है, सुखी होना अपना कर्तव्य है। और सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित्र है, इसलिए एकमात्र कर्तव्य सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित्र है। अब उस सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित्र की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए हम किन क्रियाओं में किन कार्यों में लगे जिससे कि हमें रत्नत्रय का साधन बना रहे, तो उसके ये छह भेद कहे हैं। उससे पहले अपने श्रावक के दो प्रकार के आवश्यक कहे, निश्चय आवश्यक व्यवहार आवश्यक। तो निश्चय आवश्यक तो जो श्रावक को जो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में अथवा प्रत्याख्यान कषाय के अभाव में जितनी जितनी वितरागता प्रकट हुई है, जितनी जितनी कषायों का अभाव हुआ है, वो उसका असली आवश्यक है। वो उसकी वो अवश्य करने योग्य है, न केवल अवश्य करने योग्य है अपितु उसने सचमुच असली आवश्यक काम कर लिया। आवश्यक किसने किया? मैंने जो काम करना क्या आवश्यक है अपने लिए, कषायों का अभाव अपने लिए आवश्यक है, तो कषायों का अभाव होना
निश्चय आवश्यक है, और कषाय के अभाव करने के उपाय में लगना ये व्यवहार आवश्यक है। शुद्ध भाव की प्राप्ति वो आवश्यक है, और शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए जो साथ में अपन व्यवहार रूप जो भी शुभ क्रियाएं करते हैं वो सब उसके साधन रूप में व्यवहार आवश्यक है। असली आवश्यक तो शुद्धता की प्राप्ति, और उस शुद्धता की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी शुभ विकल्प है देव पूजा गुरुपासना आदि के, वो सब क्या है, व्यवहार आवश्यक। वो आवश्यक नहीं है करना अपने को, क्या है, हैं कषायों का भाव, वीतरागता की प्राप्ति, रत्नत्रय शुद्धता की प्राप्ति, वो निश्चय आवश्यक है, करने योग्य काम तो वो है, उसके लिए ये करते हैं, इसके लिए इसलिए नहीं करते। मैंने जो व्यवहार छे आवश्यक है, व्यवहार छे आवश्यक के लिए नहीं है, वो निश्चय आवश्यक की प्राप्ति के लिए है। अपन ने लक्ष्य क्या बना रखा है, अपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना रखा है, धर्म के, धर्म करने के, ये छह आवश्यक करना, धर्म करना हो जाएगा। अब ये छह आवश्यक करने ही लक्ष्य है अपना, शुद्धता की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है क्या, इससे हमारा मोह गले, मोह गलाने का कोई विचार नहीं है, बस ये हो गया सुबह की एक्टिविटी हो गई, दोपहर की एक्टिविटी हो गई, शाम की हो गई, भले ही अंतरंग में वैसे के वैसे ही परिणाम। व्यवहार करेगा तभी तो स्वाध्याय करेगा तभी तो उसको निश्चय परिणाम जानकारी मिलेगी। तो साधन है ना, वही तो कह रहा है, साध्य नहीं है, तो अपन तो साधन को साध्य मान रहे हैं, जो साधन है वो साधन है, अपना उद्देश्य अपन ने इतना कर लिया तो अपन समझ रहे हैं कि अपन ने अपने कार्य की सिद्धि हो गई, अपन संतुष्ट है उसमें। मोह के नाश का उपाय नहीं करना, होएगा उससे ही, जो स्वाध्याय करेगा पूजन पाठ करेगा उससे ही होएगा, लेकिन उससे हो ही जाएगा, ये नियम नहीं। एक तरफा व्याप्ति नहीं है, एक तरफा व्याप्ति है, दो तरफा व्याप्ति नहीं है। जो जो षटावश्यक व्यवहार षटावश्यक करते हैं उनको निश्चय षटावश्यक की प्राप्ति हो ही जाती है, ऐसा नियम नहीं। लेकिन जो जो निश्चय षट आवश्यक करते हैं उनके व्यवहार षट आवश्यक होते ही होते हैं, ये बस, लेकिन वो होते होते नहीं हो जाती। हमारा क्या, हमने इसको लक्ष्य बना रखा, हमारा टारगेट क्या है, ये करना, हो गई, हो गया काम पूरा। हम जो है हम समझ के कि वो क्या है, मतलब हम अपने आप को, अपनी मान्यता को, अपने आप को भाई दुख, हमारी किन मान्यताओं से हम दुखी है, उन मान्यताओं को कैसे बदले, और सच्चा श्रद्धा ज्ञान कैसे हो जिससे हम सुखी हो, वो उपाय तो करते नहीं है। और उपाय उस दूसरे जो उसके साधन रूप उपाय करते हैं, उन उपायों को करके हम ये मानते हैं कि हमारा काम हो गया, तो ये गलती है। साधन को साध्य मानता है, साधन को साधन माने तो भूल नहीं है, साधन को साध्य माने तो भूल है, और साधन को अपनाए बिना साध्य की सिद्धि करना चाहे तो भी भूल। इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, साधन साधन है, साध्य साध्य, साधन साध्य नहीं, साध्य साधन नहीं, क्या बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं होती, और साधन करते करते भी साध्य की सिद्धि नहीं होती, मतलब साधन को ही साध्य मान लो। स्कूल जाते जाते स्कूल जाए बिना पढ़ाई नहीं होती, लेकिन स्कूल जाने मात्र से पढ़ाई नहीं हो जाती क्या ये समझ में आ जाए ना, इतनी सी बात तो समझ लो, आप पूरी जिंदगी समझ में आ गई, निश्चय वार नहीं, और ये समझ में नहीं आई और आप एक के पीछे पड़ गए, साधन नहीं करेंगे तो कुछ होएगा क्या, ये कौन बना, साधन के बिना साधन की सिद्धि नहीं होगी। और फिर ये है कि भाई साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी, तो साधन करना तो साध्य की सिद्धि है, साध्य की सिद्धि है तो साधन की जरूरत क्या, सीधे ही कर लेंगे, वो भी होने वाला नहीं है। पार करने के लिए नौका आवश्यक है, नौका छोड़ना पड़ेगी आगे जाके, अगर साधन पाना है तो हाँ,
जिस नौका से अपन बैठ के आए उसी नौका को छोड़ना पड़ेगा। नौका बैठना भी जरूरी है और नौका को छोड़ना भी जरूरी है। साधन अपनाना भी जरूरी है और साधन से साध सिद्धि भी जरूरी है। ठीक है ना, समझ में आई बात? साधन के बिना साध्य सिद्धि नहीं और अकेला साधन करना ही साध्य की सिद्धि। ये थोड़ा सा अपन लौकिक में तो चतुर होते हैं, सब समझते कहाँ क्या करना, धर्म के मार्ग पे अपन थोड़ा सा भूल करते हैं। कि साधन ही छोड़ देंगे तो साध्य की सिद्धि कैसे होगी? और दूसरी बात, साधन के अंदर ही संतुष्ट हो जाएंगे और साध्य की सिद्धि नहीं करेंगे तो भी उपाय तो सिद्ध नहीं होगा। जो मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा। अरे प्राथमिकता में देखो क्या है एक्चुअल में, कि जब मकान बनता है तो नक्शा तो पूरा बन जाता है एक साथ, मकान की नींव धीरे धीरे डलती है। समझ और ज्ञान के स्तर पे तो मोक्ष मार्ग पूरा एक साथ समझना पड़ेगा कि भाई वस्तु स्थिति क्या है, हम अपने जीवन में क्या कर पाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा साध्य क्या है ये तो अपने को अभी समझना पड़ेगा ना। तो साध्य क्या है, हम साध्य की, और अभी तो अपन प्राथमिक स्थिति से तो अपन बहुत ऊपर आ चुके हैं। अपन यहाँ जो बैठे हैं वो यदि छः आवश्यक में लगे ही नहीं होते तो वो यहाँ बैठे ही नहीं होते। अब जो बैठा है उसी को तो कह रहे हैं कि यही इतना यहाँ बैठना मात्र ही सिद्धि नहीं है साध्य की, इससे और आगे बढ़ने पर साध्य की सिद्धि हो। उपदेश ही उसी को ही, जो ये कर ही नहीं रहे उनको तो अपन कह ही नहीं रहे। समझ में आया ना? तो देखो अब आगे चलते हैं अपन। इसलिए निश्चय आवश्यकता और शावक की जो आंशिक शुद्धि माने जो वीतरागता है, वीतरागता है वो साध्य है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना वो साध्य है, पर उसके लिए ये सब साधन। वो एक ही बात है, नहीं वो कषाय का अभाव नास्ति से कहो या शुद्धता की प्राप्ति कहो, वो दोनों एक ही बात है, एक ही चीज है। वो व्यवहार आवश्यकता शुभ विकल्प का नाम है, और कषाय का अभाव और शुद्धता की प्राप्ति वाली बात नहीं है, वो सब निश्चय में लगी। व्यवहार आवश्यक में तो जो भी शुभ विकल्प है, जितने भी जो शुद्धता के साथ में जो शुभ विकल्प है, अथवा जो शुभ विकल्प शुद्धता के लिए शुद्धता के लक्ष्य से किए जाते हैं, वो व्यवहार आवश्यक। व्यवहार भी तब नाम पाएगा वो जब लक्ष्य शुद्धता का हो। यदि वो व्यवहार व्यवहार के लिए है तो वो व्यवहार नाम भी नहीं पाएगा। क्या लक्ष्य होना चाहिए उसका, कि मेरा लक्ष्य क्या है इसके सब करके, इन सब का लक्ष्य ये है कि मेरे अंतरंग में मेरे कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव, ये करके मैं भगवान की पूजा करके मैं अपने स्वरूप को समझू, उनको देख के और उनको देख के ऐसे ही मेरा स्वरूप है ऐसा अपने स्वरूप को निहारू। क्या भगवान की मुद्रा अपने स्वरूप को बताने के लिए प्रतिबिंब के समान है, दर्पण के समान है? जैसे दर्पण अपना अपना चेहरा दिखाता है, ऐसे भगवान की मूर्ति हमें अपना स्वरूप दिखाता है, और हम यदि उसमें अपना स्वरूप नहीं देखे तो उनके गुणगान करके चले जाए तो हमारे साध्य की सिद्धि नहीं हुई। क्योंकि ये तो हमने दूसरे के गीत गाए, तो दूसरे के गीत गाने से कभी अपनी तरक्की नहीं होने वाली। अपने को दूसरे के गीत गाते गाते वो जो कह रहे हैं कि तू भी हमारे जैसा है, हमारे जैसा तू, जैसा हम हैं इसे तू हमारे जैसा है, और अपने आप को ऐसा देख, अपने को स्त्री को तो मकान ज्यादा रुपया पैसा वाला देखना बंद कर। भगवान का असली भगत कौन है बताओ? जो भगवान ने जो बात कही है जो उसको मानता है वो भगवान का असली भगत है। भगवान ने क्या उपदेश दिया वहां पे समोषण में? भगवान ने समोषण में अपनी पूजा बनी होगी कि देखो भाई, भगवान ने कहा देखो भैया श्रीमत वीर हरे भव वीर, उनकी दिव्य ध्वनि में क्या निकला होगा? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या निकला होगा? अपन जब सुन रहे होंगे तो क्या होगा, कौन से तीर्थंकर उन्होंने? नहीं, उन्होंने हमें बताया कि मोह मिथ्यात् को दूर करने का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति का उपाय क्या है। जब उन्होंने हमको मार्ग बताया तो अपने आप हमको उनके प्रति भक्ति आ गई ना? नहीं, हमने अपने आप पूजा रच दी। पूजा तो हमने अपनी भक्ति से की है,
क्योंकि जिसके जिसकी चीज मतलब जिसने कुछ दिया होता है तो कोई अमूल्य चीज दी होती है तो उस अमूल्य चीज देने वाले के प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं। क्या अंदर में वो अमूल्य लगेगी, अमूल्य चीज है मेरे को जो मिली है, तो उसके प्रति बहुमान का भाव नहीं आता। और अपने को ये तो पता ही नहीं कि इन्होंने क्या दिया है, चूंकि अपने देवता है इसलिए अपने को इनकी भक्ति करना है, भक्ति करना अपना कर्तव्य है, तो उससे क्या भक्ति होगी। क्या भक्ति का भाव तो अंदर से उमड़ता है। कब उमड़ता है? जब उनका सच्चा स्वरूप समझते हैं कि वो क्या है और उन्होंने हमें क्या दिया है, तो हमें अपने आप भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं। और लोक में कहा हुआ देखो, कोई यदि अपने को कोई निधि देता है तो निधि देने वाले की कितनी महिमा आती है अपने को। तो जिन्होंने हमें रत्नत्रय निधि दी, क्या उनकी महिमा नहीं आएगी? आएगी, लेकिन कब आएगी? जब हमें रत्नत्रय निधि लगेगी। तो हमें रत्नत्रय निधि नहीं लगे, क्या हुआ इन्होंने कहा तो जिनवाणी बताइए बताइए। अपने को जिनवाणी से ही रुचि नहीं हो तो भगवान में क्या रुचि होगी? जिसको भगवान की बात में रुचि नहीं है उसको भगवान में रुचि नहीं है। बताओ, मेरी बात तो सुनना नहीं चाहे से कि आपकी आपके हम बहुत सेवक है, आपकी बहुत हम दीदार है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। तुम ये आया करो रोज सुनने, मतलब क्या हमारे से ये मस्का लगाने से क्या मतलब है? असली तो हमारा जो है जो सुन रहा है बात वो है। तो भगवान जिनेन्द्र का असली कौन है? जो उनकी सुने माने वो है भाई। उनकी बात का तो रस नहीं और उनका रस है। कुल देवता है, जैसे अन्य मतावलंबी अपने अपने कुल देवता मान के करते हैं, ऐसे हम भी ये मानते हैं कि हमारे कुल देव है और हमको करनी है इसकी बस। अब क्यों करनी है हमको नहीं मानते, हमारे पिताजी करते थे हम भी कर रहे हैं, हमारे पिताजी पिताजी करते थे इसलिए हम भी कर रहे हैं। हमें 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 खुद को कुछ नहीं बताया कि इन्होंने हमें क्या दिया है। क्यों हमें क्यों नहीं बताया उन्होंने क्या दिया? क्योंकि हमने खोल के ही देखा कि उन्होंने दिया क्या है, हमें पता ही क्या है कि उन्होंने क्या दिया है। वो हितोपदेशी है, उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है। इस उपकार के प्रति हम उनके प्रति भक्ति करते हैं, इस उपकार के कारण, क्योंकि उन्होंने जो हमें चीज दी वो हमारे माता पिता ने भी नहीं दी, ऐसा चीज उन्होंने दी, इसलिए हमको उनकी भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। कृतज्ञ है ना, कृतज्ञ तो है नहीं क्या? कृतज्ञता का भाव है। और कृतज्ञता का भाव दूसरी बात यह है कि हमको उनकी मुद्रा देखकर अंतरंग में परिणाम शांत होते हैं। उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर हमें भी वीतरागता प्राप्त करने का उत्साह उमंग जगता है। इन सब कारणों से हम करते हैं, समझे? तो ये सब चीजें आनी चाहिए साथ। वीतरागता को मुझे प्राप्त करना है, ये वीतरागी है, इनसे मुझे वीतरागता की प्रेरणा मिलती है, इन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग बताया है, ये सब बातें होगी तो सच्ची भक्ति होगी। और ये नहीं होएगी तो फिर तो वो जो होएगी सो होएगी, नाचेंगे कूदेंगे कहेंगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा क्या क्या करते कि नहीं करते बाजे छम 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 छमा छम बजते उसमें तथ्य क्या है? कुछ नहीं, डूंगू बजा लो डमरू बजा लो सब बजा। क्या भगवान के गुण है जरा सी भक्ति में वो भी तो लेके आओ कि भगवान के गुण क्या है। वीत राग सर्वज्ञ हितं कर, क्या मेरी भाव में गालो कम से कम। क्या ये अति पुण्य उदय मम आया प्रभु पतित पावन, कोई अच्छी स्तुति करो। ये क्या चालू चलती फिरती पूजे की कहीं की लिया उठा कर, ओम जय जगदीश देवा थे उनके, हमने ओम जय माए प्रभु, ये स्तुति वही की वही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। कॉपी है ऐसी की ऐसी, और नहीं हुआ आपको तो आप जाके देख लेना कभी भी इनके जो होती है वही कोई स्टाइल ही वही नाच गाना वही सब वही, पर एक भगवान वो अलग है बाकी आदमी वही सब ऐसे करें, इससे क्या सिद्धि होगी? हैं इतनी बढ़िया बढ़िया स्तुति लिखी है, संबंध भद्र स्वामी की स्तुति पढ़ो कभी तो मजा आ जाए एकदम, ऐसा तत्व ही तत्व भरा उसके अंदर, एक शब्द जो है उन्होंने व्यर्थ का नहीं लिखा। कौन पढ़े उसको, तो इनको तो नाचना है गाना है। मेरी भावना ही पढ़ लो, मैं कहता हूँ मेरी भावना बहुत जोरदार,
जिसने राग द्वेष का राम अधिक जीत्या सकल गे गाय कदपि। तो ये है ना, अच्छा इनमें तत्व भरा है, वो मेरी भावना में बहुत कुछ भरा है। लेकिन ये जो चल रही है, ये जो आजकल, इनमें कुछ नहीं है। उठा के देख लेना, बोले पूरी पढ़ना, उसमें देखना कि भगवान के गुणों की कोई बात है क्या। नहीं, क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि वो दूसरों की कॉपी की हुई है, हमने केवल भगवान के नाम बदले हैं, बाकी स्तुति वो वैसी की वैसी। तो जब अन्य मतावलंबी करेगा तो वो तो वितराग का ही बात ही नहीं करेगा। सर्वपिता कहाँ से आएगी? तो उपदेशी बनाएगी। समझ ना, तो वो सब बात है, वो सब चीज़ें हैं। ये सब क्या क्या अपन बोलो, किसको बोलो, किसको समझाओ, भाई क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सोचो। यदि करना है तो अच्छे जो भागचंद जी के भजन है, दौलत राम जी की स्तुति है, भूधर दास जी की है, सब अच्छी अच्छी स्तुतियाँ हैं, वो थोड़ी स्तुति कर लो। ये सब स्तुति पर तू जो होएगा सो होएगा, कुछ नहीं कर सकते। वो एक्चुअली व्यवहार परंपरा से, वो यदि वो उसकी साधन की प्राप्ति होती है साध्य की, तो वो साधन भी कहलाएगा। और साध्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उसको व्यवहार नाम भी नहीं मिलता। बच्चा, इस देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चा यदि पास हो जाए तो उसके लिए स्कूल साधन रहा, और बच्चा यदि पास नहीं हुआ तो स्कूल उसके लिए साधन भी नहीं कहलाएगा। साधन तब है जब साध्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि नहीं हो तो साधन भी नहीं कहलाता। ये विवक्षा है, जिन्होंने दो चीजें थी, व्यवहार निश्चय के साथ रहता है उसको भी व्यवहार कहा जाता है, और जो निश्चय की प्राप्ति करा है उसको भी व्यवहार कहा जाता है। माने जो कारण है वो भी व्यवहार कहलाएगा, किसका कारण, निश्चय का, और जो निश्चय के साथ रहता है उसको भी व्यवहार कहा। हाँ, लक्ष्य, हाँ उसके साधन रूप में, कि हमें मूल तो प्राप्ति ये करनी है, इसके साधन प्रूव करना, ये हमारे सब साधन है। जैसे हम पढ़ाई करने के लिए हम कितने प्रीति से स्कूल जाते हैं, जैसे उतने प्रेम से इन साधनों को करें, और उद्देश्य क्या है हमारा, कि इससे मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, तो वो है। और फिर वो ऐसे ही थोड़ी नहीं कि वो कुछ घंटे करना, वो तो फिर जीवन में हर समय के लिए हो। देखो धर्म जो है वो तो 24 घंटे के लिए होता है, मतलब जीने पूरी जीवन में करो ना, स्वाध्याय के यहीं आके बैठ के करे ऐसा कुछ नहीं। और भी जब समय मिले अपने पास में जीवन में, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, 24 घंटे में जितना टाइम मिले उतना टाइम करो, यही करो, संयम से रहो, ये सब आएंगे इसमें। इसको कोई ऐसा तो ही नहीं कि इसका कोई हमने टाइम फिक्स कर दिया, टाइम नहीं है। तो आपके जीवन में सतत रहना चाहिए। देव की पूजा क्या है, देखो एक देव की पूजा, देव का बहुमान है, जिसको उनके प्रति बहुमान है उसके अंदर में पूजा है, और जिसको बहुमान नहीं है वो उस समय पूजा करते हुए पूजा नहीं करते। अंदर में उनके गुणों के प्रति जो बहुमान होता है वो बहुमान पूर्वक असली पूजा होती है। और जब तक गुणों का बहुमान नहीं होता है तब तक वो कुल क्रमागत है। उससे यही है कि उससे कदाचित सिद्धि ये हो सकती है कि कभी वो समझ जाए तो आ जाए, समझ जाए तो क्या। असली लक्ष्य को छोड़, अपन असली लक्ष्य ध्यान नहीं रहे अपना, और अपन ये सब करते ही कर ही रहे ना अपन ये, तो वो उससे अपने को एक तो दो बात, एक तो आनंद भी नहीं मिलता, और जो साध्य की सिद्धि होनी चाहिए वो भी नहीं होती, क्योंकि साध्य लक्ष्य में ही नहीं होगा सिद्धि कैसे होगी। खैर चलो, अपन तो क्या बात चल रहे थे, अपने कहाँ से आए थे अपन, नहीं वो अपन पूजन भक्ति के ऊपर आए थे। हाँ, कि अपन तो ये बात कर रहे थे उनके प्रति जो आदर का भाव है, विनय का भाव है, वो आए बिना, बहुमान का भाव आए बिना, वो जो सुविकल्प है, मैंने जो शुद्धता के साथ में जितना भी शुभ व्यवहार है, शुभ विकल्प है, उसे व्यवहार नाम, दोनों साथ साथ होते हैं। देखो मोक्ष मार्ग में जब तक परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती तब तक शुद्धता और शुभ भाव वो दोनों एक साथ चला करते हैं। माने अशुद्धता और शुद्धता वो दोनों ही गुणस्थान परिपाटी के हिसाब से दोनों साथ में रहेंगे। जब तक परिपूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं होती, मैंने जब तक संपूर्ण कषायों का अभाव नहीं होता तब तक जितनी कषायों का अभाव हुआ उतनी शुद्धता, और जितनी कषायों का सद्भाव है उसके उदय में होने वाला जो भी शुभ भाव है उस शुभ भाव रूप अशुद्धता वो भी साथ में रहेगी।
समझ में आया ना, मतलब वो शुभ भाव उसको आए बिना रहता नहीं, ऐसा नहीं कि वो शुभ भाव चला जाएगा, शुभ भाव आता है, लेकिन वो शुभ भाव को भी उपादे नहीं मानते, उपादे किसको मानते हैं, धीतराग। तो ये दोनों चीजें साथ चलती ज्ञानी है, शुद्धता जितनी कषाय चुगड़ी का हो उतनी शुद्धता, और शुद्धता के उस भूमिका के योग्य शुभ व्यवहार जो उस भूमिका के योग्य, श्रावक होगा तो श्रावक की भूमिका के योग षट आवश, मुनि होंगे तो मुनि की भूमिका के योग उनके षट आवश, वो उस भूमिका के योग्य आएंगे। यदि वो नहीं है उसके षट आवश्यक, मैंने वो शुभ भाव भी नहीं है उस जाति का, तो इसका मतलब अंतरंग में शुद्धता तो है ही नहीं, समझ में आया, क्योंकि वो एक नियम है, जिसके इस जाति की शुद्धता होगी उसके बाहर में इस जाति का शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, आता है उसको धर्म नहीं मानता, धर्म तो शुद्धता को मानता, अभिप्राय में यदि उसको शुद्धता मान ले तो दोष अभिप्राय की, और यदि करे ही नहीं तो वो जो जितनी शुद्धता है वो भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा है, मतलब वो जो शुभ भाव होता है उसकी भूमिका में वो जानता है कि इस भूमिका में भाव आए बिना रहता नहीं, लेकिन उसको उपाधि नहीं मानता, उपाधि किसको मानता है, उपाधि मैंने ग्रहण करने योग शुद्धता, लक्ष्य उसका वही रहता है, लक्ष्य की बात है, क्रिया तो सबकी एक सी होती है, एक अंदर की लक्ष्य की बात होती है, अपना उद्देश्य क्या, ज्ञानी भी वही काम करता हुआ दिखेगा, अज्ञानी भी वही करता, लेकिन दोनों के लक्ष्य में अंतर, बस लक्ष्य के अंतर से एक मोक्ष मार्ग हो जाता है, एक संसार में पड़ा रहता है, क्रिया दोनों ने की एक सी, शुद्ध भाव के नाम शुद्धता, शुद्ध भाव के नाम शुद्ध, जितनी कषाय चुपड़ी का भाव उतनी शुद्धता है, जितना कषाय का उदय है उतनी अशुद्धता, तो वो कषाय का जो उदय है उसके उदय में जो शुभ भाव होता है उस भूमि का, शुभ भाव का नाम निर्वाल छठ आवश्यक, कौन कौन से देखो, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप और दान, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम अष्टप स्वाध्याय संयम अष्ट संयम अष्टप दानम चेति गृहस्थानाम, गृहस्थों के षट कर्माणि छह कर्म क्या है, दिने दिने प्रतिदिन कर्म करो। अब ये देव पूजा क्या है, कौन से देव की पूजा है, सच्चे देव की, सच्चे देव माने जिनेंद्र देव, और किसी देव की नहीं है, चार गति के देव की नहीं है, रागी द्वेषी देव की नहीं है, कपिल देव की नहीं है, किसी देव की नहीं है, ये तो भगवान जिनेंद्र की है। तो देव पूजा दो प्रकार की, एक तो भाव पूजा और एक ग्रह पूजा, भाव पूजा क्या है देखो, देव पूजा क्या है, पहले तो देव पूजा और भाव पूजा दोनों ही ना इसका स्वरूप बताया, भाव पूजा में लिखा सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्थान ही भाव देव पूजा। देखो देव पूजा के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि वो देव का स्वरूप समझे, नहीं तो वो देव की पूजा कैसे करेगा, हम कि वो ये देव के देव को 10 आरोप मानेगा और देव की पूजा करता रहेगा, मतलब वो जो व्यवहार की स्तुति उसको असली स्तुति माने कि आप ये करते हो, भक्तों के संकट हल लेते हो, दुखियों के दुख हल लेते हो, क्या अपुत्र इनको तुम भले पुत्र कीने, गरीब दरिद्र इनको तुम द्रव्य दान दीने, अब ये सब वो तो ऐसा है कि क्या है, भगवान आते नहीं है वास्तव में मोक्ष जाने के पास, नहीं तो आते होते और यदि उनको थोड़ा भी राग होता तो वो कितने दुखी होते, सोचो कि हमारे ऊपर इन्होंने क्या क्या आरोप मान दिए स्तुति के नाम पर, जैसे कोई किसी की कि मेरी स्तुति करेगा, ऐसा पंडित जी क्या दादा आदमी है वो, ये स्तुति कर रहे क्या कर रहे ये भी स्तुति है कि निंदा है, तो वो जो अकर्तत्व है, भगवान अकर्ता है, जो दर्शन ही अकर्तावादी है, जो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है अपने पुण्य पाप के उदय से होता है, वो भगवान तो जिसमें कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो वीतरागी है, वो तो मोक्ष में विराजमान है, प्रभु उनको तुम कह रहे हो कि आप ही सब कुछ करते धरता हो, आपने सब गरीब पुत्री जिनके पुत्र नहीं थे उनको आपने पुत्र दे दिए, जो दरिद्री थे उनको आपने द्रव्य दे दिया, इसलिए मैं भी आपकी शरण में आया, मेरे को भी दे दे तो वो कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये स्तुति कर रहा है क्या,
की निंदा कर रहा है। हम कह रहे हैं कि द्रव्य में सुख नहीं, हमने तो द्रव्य छोड़ा और हमसे द्रव्य मांग रहे हैं, हमने पुत्र पुत्र पुत्री नहीं करे तो हमसे पुत्र पुत्री मांग रहे हैं। मतलब ये क्या कर क्या रहा है, ये हमारी स्तुति कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा पहले उनका स्वरूप समझे कि वो है क्या, नहीं तो उनके नाम पे सब उनका उनके नाम पे सारे माथे मार देगा। ये आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, सीता के प्रति आपने ये कर दिया, वो सब व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है। वो व्यवहार से स्तुति ऐसी हो सकती है, लेकिन यदि उस व्यवहार को कोई परमार्थ समझ लेगा, वास्तविक समझ लेगा, तो वो बहुत बड़ी भूल में रहेगा। यदि वो सचमुच ऐसे ही समझ लेगा कि हाँ भगवान ने सब किया है, द्रौपदी प्रति चीर बढ़ाए हो, सीता प्रति कमल रजाए हो, अंजन से किए अकामी दुख मेटो अंतर, तो व्यवहार की भाषा है भैया। क्या तुमने क्या किया, तुमने थोड़ी बहुत चोरी करी है इसमें, उनके कृष्ण जी ने चीर बढ़ाया तो तुमने भगवान को भी चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी का चीर उन्होंने बढ़ाया, इन्होंने अपने भगवान के लिए द्रौपदी प्रति चीर बढ़ाया, बढ़ाया क्या उन्होंने चीर, बताओ। सीता प्रति कमल रचाए, सीता का कमल उन्होंने रचाया, अंजन से किया काम नहीं, तो ऐसा का ऐसा समझ लेगा तो गलती। अब यदि अपन इसको ऐसे समझे कि देखो उन्होंने पूर्व भव में हे प्रभु आपकी पूजा की थी, उस पूजा के फल में जो पुण्य बांधा था, उस पुण्य के उदय से ऐसा काम हुआ, तो इतनी बात समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इतनी नहीं समझे, डायरेक्ट लगा ले कि आप इन्हें कपड़े दिए द्रौपदी को और आपने जो सीता की कमल रचा है, तो वो यही काम करने वाले तो उनके हैं, अपने थोड़ी नहीं ये सब काम करने वाले, अपने तो आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी जो पूजा भक्ति करता है उस पूजा भक्ति से पुण्य बनता है, उससे ही ये सब काम हो जाता है, उनको तो ही जरूरत है। दूर रहे स्त्रोत आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर रहती है, फेंका करता सूर्य का बोले, सूर्य का उदाहरण आप रहा करता है दूर, फेंका करता सूर्य किरण को आप रहा करता है दूर, है कि नहीं। सूर्य को यहाँ तक आने की बुलाने की जरूरत ही क्या है, उसकी किरण ही बहुत है, ऐसे है प्रभु आपका गुणगान ही बहुत है ये सब काम के लिए, आपकी जरूरत नहीं है, जिनका हो उनका हो, आपकी जो स्तुति भक्ति करता है उस स्तुति भक्ति से जो उसकी कषाय बंद होती है, उसे जो पुण्य बंद होता है, वो सच्ची स्तुति निर्वांचक बने से, मैंने सीता ने जब पूर्व भाव में भक्ति करी थी तो इसलिए नहीं की थी कि मेरा कभी कमल वमल रचा देना है कभी, या द्रौपदी ने नहीं कहा कि भैया मेरी चीज की रक्षा करो, मेरे कपड़े वपड़े दे देना जब जरूरत पड़े, उन्होंने तो भगवान की निर्वांचक भक्ति की, उस भक्ति से जो पुण्य बंधा उसके फल में काम हुआ, आरोप भगवान का खुद देते हैं, लेकिन वो वास्तव में भगवान का किया हुआ नहीं। तो ये सब बराबर उसको व्यवस्थित ख्याल में आनी चाहिए सब चीज़, नहीं तो ये जीव क्या क्या भूल करेगा, क्योंकि जिनवाणी में तो देखो सब तरफ से बातें लिखी हुई है, यदि उन बातों का मर्म नहीं समझोगे तो हर कदम कदम पे धोखा खाए बिना तुम नहीं रहोगे। जिनवाणी पढ़ोगे और उसकी पंक्ति हमको भी दिखाओगे, लिखा है द्रौपदी को चीर बढ़ाया तो क्या भगवान ने नहीं चीर बढ़ाया, लेकिन इसका अर्थ समझो, ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, उसका अर्थ समझो, क्योंकि ऐसी व्यवहार स्तुतियों से जिनागम भरा पड़ा है, बहुत सारी ऐसी वैसे तो ये सब आज की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत मैंने पाठ भी अभी के यही है क्या। और ये भी जो ध्यानत राय जी का ये अपत्रिन को तुम भले पुत्र कीने, दरिद्रिन को तुम द्रविदान दीने, दुखी दुख करता सुखी सुख करता सदा से हो। जब मैंने पढ़ी पहली बार तो मेरे को बड़ा आश्चर्य, उनके ध्यानत राय जी जैसे कभी एक तरह ध्यानत राय जी की ध्यान क्या हो सकता है वो किसी की हो या तो ध्यानत राय जी की लिखी उन्होंने व्यवहार में से क्या है एक्चुअल में क्या रहता है। सब तरह के लोग होते हैं, कभी कभी कोई बहुत आदमी बहुत संकटों में फंसा होता है तो उसको ऐसी दवाई नहीं पड़ती। हाँ इसीलिए वो इसीलिए, लेकिन जिसके कुदेव के वो है ही नहीं, जो सच्चे देव के अलावा जो किसी को मानते ही नहीं, तो उसको बात तो बतानी पड़ेगी ना अल्टीमेटली, क्योंकि क्या है कि नहीं तो हम अपने सच्चे देव में कुदेव की स्थापना कर लेंगे,
हमने यदि महावीर को भी वैसा माना तो हमने भले भगवान महावीर को माना है लेकिन हमारी मान्यता में तो कुदे ही भगवान महावीर को नमस्कार करना महावीर को मानना नहीं है, महावीर के स्वरूप को समझकर उनको नमस्कार करना महावीर को मानना समझा ना। यदि महावीर को भी आप ऐसे ही मानते हो जैसे अन्य मतावलंबी अपने भगवान को मानते हैं तो आप महावीर को तो ही मानते हो, आप तो ब्रह्मा विष्णु को ही महेश को ही मानते हो, तो इतने ही है कि नाम बदल गया है थोड़ा सा रूप बदल गया है लेकिन मान्यता में वैसा कैसे, भले वो कुदेव को उसके आगे नहीं झुक रहा है लेकिन यहाँ भी जो झुक रहा है तो उसकी मान्यता में तो वही वासना बैठी हुई, मुझे समझाना तो उसको पड़ेगी। श्रद्धा में तो वही का वही, वो सब जगह सब जने वहाँ जाके करते हैं यहाँ जाके करते हैं काम, तो वही अंतर क्या है, एक चद्दर चढ़ाने जाता है एक छत्र चढ़ाने जाता है, भिखारी दोनों भोगों को। जैन दर्शन बिल्कुल अलग है इसलिए एकदम, इसलिए उन्होंने कहा सच्चे देव का स्वरूप समझो, अपन ने तो खैर बहुत अच्छे से चर्चा कर ली पूरी, नहीं तो नहीं सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में यदि गड़बड़ है तो धर्म की एबीसीडी भी चालू नहीं होती, धर्म की एबीसीडी तब चालू होती तब असली जैन धर्म का रहस्य समझ में आता है कि जैन धर्म क्या चीज है, उसके बिना नहीं समझ। इसलिए सबसे पहले लिखी चीज है कि सच्चे देव का स्वरूप समझे और फिर स्वरूप समझ के उनके गुणों का स्तुवन करे, उनके गुणों का जो उनमें है क्या है, उनमें वीतरागी है वो। देखो एक श्वेतांबर साहित्य बहुत बढ़िया, उसके अंदर स्तुति की पार्श्वनाथ भगवान की, क्या कहा मालूम उसमें कि हे पार्श्वनाथ भगवान आपकी महानता किस बात से कि आपके ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया है और कमट ने इतना उपसर्ग किया लेकिन आपको उसके प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, आपको उसके प्रति जरा सा भी देखने तक का ही भाव नहीं आया, क्या कौन कर रहा है क्या है क्या, इतना सा भी आपको उसके प्रति छोड़ नहीं हुआ और धर्मेंद्र आपकी रक्षा करने के लिए आए, सब किया उन्होंने लेकिन उसके प्रति आपको इतना सा भी राग उत्पन्न नहीं हुआ। हे प्रभु आप दोनों के प्रति साम्य भाव में रहे, दोनों के प्रति आप दोनों के प्रति एक जैसा परिणाम आपका रहा, इससे आप महान हो। क्यों? क्योंकि ऐसी वृत्ति तो जगत में हर जगह देखने को मिलती है, कौन सी कि अपनी कोई सेवा करना है उसके प्रति राग करना और जो अपना नुकसान करे उसके प्रति द्वेष करना, लेकिन आपकी जो वृत्ति थी कोई अलौकिक थी, ना सेवा करने के प्रति आपको प्रेम आया और ना उपसर्ग करने वाले के प्रति आपको द्वेष, आपने तो दोनों के प्रति साम्य भाव ही रखा, इससे मैं आपको पूछता हूँ इसकी स्तुति उनकी इसमें करूँ, तो ये है ना असली स्तुति है, कोई दिक्कत नहीं हो भले वो उसका उसके अंदर मतलब जो दो पंक्ति उसने लिखी, मैंने कहा दो पंक्ति बहुत बढ़िया लिखी उसने, तो ये तो उनकी स्तुति है, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशी बनने से उनकी स्तुति करना उनकी आत्मा की स्तुति है, उनके गुणों की स्तुति करना अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर उनकी स्तुति है, और उनकी स्तुति नहीं करके उनके जो गुण ही नहीं उनमें और उनको उनका कहना जो भी है वो सब। और देखो इसके अलावा एक और दो प्रकार की स्तुति, केवली की स्तुति एक निश्चय स्तुति है व्यवहार स्तुति, जैसे दो हरियल दो सांवले दो गोरे दो लाल सोलह कंचन वर्ण है दो आखो या, ये स्तुति निश्चय स्तुति की व्यवहार स्तुति, दो भगवान बोले हैं भगवान का शरीर इतना सुंदर है कि तीन लोग की सुंदरता मानवा एकत्रित होकर आ गई, ये स्तुति निश्चय की व्यवहार व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति क्या है? निश्चय स्तुति उनके गुणों की स्तुति निश्चय स्तुति, उनका शरीर का स्तवन भी उनका स्तवन नहीं है तो जो चीज उनमें है ही नहीं उनका स्तवन कैसे हो जाए, शरीर तो फिर भी किसी अपेक्षा से वो उसका मतलब उसमें रहे वो, लेकिन ये सब चीजें जो अपन बात बोल रहे हैं दूसरी वो तो उनमें किसी प्रकार से नहीं है ना घटती नहीं, तो इसलिए असली भगवान की स्तुति तो भगवान के गुणों की स्तुति है, वो स्तुति करना। और बहुत अच्छे अच्छे अपने आप ऐसे साहित्य में बहुत बढ़िया बढ़िया स्त्रोत भी हैं, थोड़ा सा अपन उनके संस्कृत के हिंदी अर्थ समझ हिंदी अर्थ भी लिख हिंदी अनुवाद भी हो गए वो पढ़े अपन, अकलंक देव का परमानंद स्त्रोत है
बहुत बढ़िया है, आपका स्वरूप संबोधन स्त्रोत है और इसके अलावा ये स्वयंभू स्त्रोत है, देवागम स्त्रोत है, इन सब की हिंदी अनुवाद है, ये पढ़ो आप, इनमें भगवान की गुणों की महिमा गाई है। और भी जो दौलत राम जी की बहुत अच्छी अच्छी भगवान की भक्ति है, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया, इतने अच्छे अच्छे भजन हैं गीत रात काल के भरे हुए कि उनके भजनों के शब्दों में बहुत भाव भरा हुआ है। एक नहीं होते पूछे एक दौलत राम दौलत विलास नाम से पुस्तक छपी भारतीय ज्ञानपीठ से, उसमें दौलत राम जी के द्वारा रचे गए 100 भजन हैं, 100 बहुत अच्छे हैं। ऐसे पुराने कवियों की बहुत अच्छी अच्छी पूजाएँ हैं, वृंदावन दास जी की पूजाएँ हैं, ज्ञानत राय जी की पूजाएँ हैं और आपके और टेकचंद जी की पूजाएँ हैं, जैसे पूजाएँ करो अच्छी अच्छी क्या, थोड़ा सा चीज थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। प्राचीन जो अर्वाचीन जो कवि जितने भी नए नए हैं अभी 20-25-50 साल में जो भी हुए 20-25 साल में, इनकी लेखनी में उतना दम नहीं है, इनकी पूजाओं में भी वो बात नहीं आएगी जो आप पीछे की पढ़ोगे पूजाएँ उसमें आएगी। जो दयानंद राय जी की जो 10 लक्षण की पूजा है वैसी मैं कह सकता हूँ ना, तो आज तक मैंने देखी है और अब वो काफ़ी कदाचित कोई ना मुझे लगता है बना सकता है, इतनी बढ़िया पूजा है 10 लक्षण की पूजा है ना, ध्यान ऐसी छपी तो है वो आउट ऑफ प्रिंट होगी, सब छपी है, सब भूधरदास जी की छपे, भूधर शतक दौलत विलास बने महाविराष्ट्र वो भागचंद जी का भागचंद जी बहुत अच्छा है, महाविराष्ट्र ये सब मतलब ऐसे इसमें इनमें क्या है, इनमें कुछ सब्जेक्ट मिलता है कंटेंट है, ये सब क्या जो भी है मतलब क्या पता कौन कौन से, मैं तो 40 पढ़े नहीं, मैं तो हिंदी है, ये सब क्या है एक्चुअल में, ये सब अपने ऊपर जो है ना जब अन्य लोगों का आक्रमण होता है ना तो अपने को क्या करना पड़ता है, अपना वर्जन निकालना पड़ता है, हनुमान 40 हमारी 40 सारी 40 है, मैं तो आज तक पढ़े नहीं सब 40, मैंने तो एक्चुअल में जो भी मैंने तो भैया ये पूजाएं पढ़ी तो टेकचंद जी की, ज्ञानत राय जी की, दौलत राम जी की, भागचंद जी की, वृंदावन दास जी की, सब पूजाएं पढ़ी, और यदि स्त्रोत साहित्य पढ़े तो मैंने तो जो भी आचार्यों के संस्कृत के थे उनके पहले भी हिंदी पढ़ता था, अभी संस्कृत समझ में आता संस्कृत पढ़ लेते, बाकी संस्कृत का हिंदी अनुवाद है 80% का वो पढ़ लेते हैं, और नहीं है तो थोड़ा पढ़ पढ़ के उसमें देखते हैं कि इसमें है कि नहीं मटेरियल कितना है इसमें, और बहुत सारे नए नए विधान कर लो इसलिए यदि ऐसा है तो, रोज एक एक विधान करते रहो जिंदगी में, सारे विधान गए कभी 10 लक्षण कभी 16 करण कभी रत्नत्रय पंचमेरु नंदीश्वर सिद्ध चक्र इंद्रध्वज कल्पद्रुम सारे करो, मतलब ये नई नई पूजाएं मिल जाएगी उसमें, नया नया विषय भी मिलेगा और नया नया विषय मिलेगा तो उसमें और मन ज़्यादा लगेगा, रटी रटी चीज तो क्या होता है कि बस वो ट्रेन चलती फिर पता ही चलती कहाँ ट्रेन पकड़ी है। मैं ना नई नई करता हूँ इसमें, जो याद हो जाती है मेरे को ना वो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो याद होती है ना फिर तो फिर वो मुँह चलता है बस, और ज़्यादा सामूहिक वामूहिक भी नहीं करते, सामूहिक के अंदर चक्कर क्या है कि वो तो सब चीज़ यही, लेकिन उसके अलावा उनके साथ चलना पड़ता है ना, अपने कहीं रुकना है कई चीज़ कोई चीज़ समझना है समझ में नहीं आ रही तो अपन रुकना है और वो तो आगे बढ़ जाते हैं, तो अपन अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद रहो तो अच्छा, क्योंकि नहीं तो दूसरे वाले के साथ कब तक कहाँ तक कैसे कैसे एडजस्ट करें, और समझ के करें क्या, भले एक ही करें भले आधे घंटे लग जाए उसको समझने में तो भी कोई दिक्कत नहीं, और भले ही नहीं तो तुम कहो कि आज तो मैंने आधे घंटे में 8 निपटा दिए रिकॉर्ड, अरे हाँ करने वाले चार चार तो मैंने कही चार चार आधे घंटे में 4 फटाफट शांति पाठ तो ऐसा होता पौ पौ फटाफट बोला शांत खत्म, इतनी आकुलता मचती शांति पाठ में जैसे महाशांति हो जाती है, ये स्थिति ऐसी है, ये सब क्या है, सब काम चला मतलब ये सब काम टालने वाला काम करते हैं कैसे कैसे करके टाइम ऐसे कर दो काम टालना, मौत आई है जैसे कोई मौत टालो इसको, इन्हें कोई पूजा है इनकी सबकी, जैसे होती कितनी शांति से कितनी विनय से भक्ति से, क्या शांति पाठ भी पढ़ना है तो आराम से अच्छे से पढ़ो,
विनय होती चीजों की, जैसे ट्रेन बनाने से क्या होती है, कोई हमको कोई पाप काटना है क्या? और यदि आप बोलता है ऐसे ज्यादा हो रही है तो पूजा कम करो एक आध, लेकिन ये बाद में इस तरह से करना उसमें अभिनय है वो सब। मतलब हमको लौकिक कार्यों की इतनी प्रमुखता हो गई कि हम आधा अधूरा ही बोलने के लिए तैयार हो गए, तो ऐसा ठीक नहीं है सब जो भी है। ये सब चीजें देखो, बहुत सारी चीजें अपने आप तब सुधरेगी जब आदमी सच्चे हृदय से करेगा, और जब तक सच्चे हृदय से नहीं करेगा तब तक तो वो सब करेगा ही करेगा ये सब। एक बार उसको अंदर से भक्ति उमड़ जाए फिर तो उसकी बात ही कुछ हो। इसलिए सच्चे देव का स्वरूप समझ कर उनके गुणों का स्मरण भाव देव पूजा है। द्रव्य देव पूजा क्या है? देव ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से जो पूजन करते हैं उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। विधि पूर्वक जो आठ द्रव्य से अपन करते हैं वो सब अवलंबन के लिए है, अपने लिए भाई, अपने को जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए अपन ने वो किया, जल को प्रतीक रूप में चढ़ाया, संसार के ताप को नाश करने के लिए चंदन चढ़ाया, अक्षय पथ की प्राप्ति के लिए अक्षय चढ़ाया, काम भाव का नाश करने के लिए पुष्प चढ़ाया, क्षुधा को नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाया, और मोह मोह के अंधकार नष्ट हो इसके लिए दीप चढ़ाया, आठ कर्मों के नाश के लिए दीप चढ़ाया, मोक्ष फल प्राप्ति के लिए फल चढ़ाया। और बार बार वही बात आती है उसको, ये कर ये कर ये कर, अपने को याद आती याद दिलाने के लिए हो अपना उद्देश्य क्या, मोक्ष फल की प्राप्ति, आठ कर्मों का नाश, जन्म जन्म मुक्ति का अभाव, अपना उद्देश्य तो यही है। तो पूजा अपने को यही चीज़ की याद दिलाती है, तो भगवान की पूजा के माध्यम से अपने को अपना लक्ष्य ख्याल में आता है, अपने को करना क्या है, करना क्या है, कोई उनके गुणों का स्तुति नहीं करना है, उन्होंने जो बात अपने लिए हित के लिए कही है करना तो वो है, अपने मोह का अंधकार नाश, अक्षय पथ की प्राप्ति हो, ये सब हो, और ये सब तो है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है वो सब। और इसीलिए अपने जो द्रव्य होता है सब प्रासुक होना चाहिए, ये द्रव्य अपना अवलंबन मात्र के लिए, मतलब ये द्रव्य चढ़ाने का उद्देश्य इतना ही है कि अपना प्रणाम उसके माध्यम से लगा रहे, अपन इधर उधर उपयोग भटके नहीं, बार बार आ जाए, क्योंकि जरा सा इधर उधर उपयोग भटकेगा तो आदमी याद आ जाएगा अपने को अक्षय चढ़ाना, अक्षय पढ़ चढ़ाना तो अक्षय पर प्राप्ति है, अपन कर क्या रहे, क्या होता है तो आदमी भटक जाता है, तो उसको भटकन से बचाने के लिए आठ द्रव्य। और ये सब इसलिए प्रासुक होना चाहिए, प्रासुक माने इसमें जीव हिंसा वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निर्दोष हो, क्योंकि अपना मूल लक्ष्य परिणामों की शुद्धि है। तो द्रव्य मात्र तो ही नहीं है कि अपने द्रव्य बहुत बढ़िया हो एकदम वो हो, ऐसा चावल होना चाहिए हाथ से खुशबू आए, ठीक है आए ठीक है वो भी अच्छी बात है चावल से खुशबू आ जाए, लेकिन अपना उद्देश्य चावल की खुशबू, अच्छा द्रव्य अच्छा चढ़ाना चाहिए सब है बात, लेकिन ये अपन अपना उद्देश्य ध्यान रखे, नहीं तो अपन द्रव्य द्रव्य में तो बहुत चढ़ जाएं और ये अपना भगवान की पूजा का अर्थ क्या है ख्याल नहीं है। मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं मेरे लोग जो कहते हैं सब, अरे देखो आप क्या लेके आए, हम ये चावल कैसे लेके आए, ये कैसे लेके आए, मैंने एक बार उनसे पूछा मैंने कहा ये काम करो दो लाइन का अर्थ समझाओ ये क्या है, उदक का अर्थ पूछा, उदक का अर्थ क्या है, खड़ा मैं एकदम देख लू क्या आपको मालूम उदक का, और भी बहुत सारी चीजें उसमें वसु विधि के वसुदास विधि क्या है, वसु क्या है, वसु विधि के वसुदास विधि माने कर्म, विधि का अर्थ है कर्म, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो पूजन में आती है लेकिन उसका अर्थ समझने की कोशिश। हमारा लक्ष्य तो क्या है ये सब चीजों पर, मेरे पास पैसा है तो मैं चांदी की थाली लेके आऊंगा दिखाऊंगा भी सही लोगों में, देव मेरे पास पैसा भी है और अच्छा अच्छा दर्द देखा, क्या जरूरत है सब, मेरे तो यही समझ नहीं आती सर, जो भी है ये सब सोना चांदी वालों को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है अच्छा है तो इतना ही है कि उसके प्रति कभी इधर उधर हो भी जाए तो विकल्प नहीं आता, मतलब अपन अपना उद्देश्य क्या हो भगवान जिनेंद्र की पूजा है, वो कदाचित चोरी हो जाए कुछ हो जाए उसका तो अपने परिणाम भी भीड़ है उसके, ये समझ के चलना गई सो गई, अपन जिस दिन मंदिर में लेके आए ना जो चीज तो वो अपन उसी दिन से अपन ने उसको छोड़ ही दी, इसलिए कभी भी नौ बार मंत्र की माला फेरो तो उसका विकल्प नहीं होगी चांदी की थाली जो बता रहे हैं
सब चक्कर है ये सब, इसलिए ये अष्ट द्रव्य से पूजन करना है, अच्छे से बढ़िया से करो, कोई मना नहीं है, लेकिन उद्देश्य को ध्यान रखते हुए समझते हुए। देखो इसके बाद में क्या है, गुरु पास की ऐसे तो बहुत है, इसके अंदर पूजा की पूरी विधि है। अभी अपना एक चैप्टर और आएगा, पूजन विधि और फल, एक चैप्टर और आगे, तब हम और चर्चा करेंगे पूजन करने की विधि क्या है। पूजा के पांच अंग होते हैं इसके, पूजन के अंदर आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन, सब होंगे। कैसे पहनना, क्या किस किस विधि से करना, क्या किन वस्त्रों से करना, क्या सारी पूरी प्रोसेस है वो, लेकिन वो प्रोसेस तो पूरी अपन करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस के अंदर मैं तो मेन बात कहता हूँ, इन सब में वो भाव की मुख्यता है। क्या भाव मुख्य है, ये सब अवलंबन है, ये सब साधन है, साधनियाँ क्या है, भावों की निर्भरता। आगे गुरु उपासना, गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही गुरु उपासना, इसमें भी वही बात है, गुरु का सच्चा स्वरूप समझे क्या है तो अपने आप गुरु की भक्ति आएगी, और सच्चा स्वरूप ही नहीं समझेगी क्या है तो वो जो भक्ति वो कुल क्रमागत है। जैसे अन्य मतावलंबी कहते हैं हमारे गुरु है, ऐसे हम भी कहते हैं हमारे गुरु है। अब गुरु है किन बातों से गुरु है ये हमें नहीं पता, क्या बातों से कि साहब इन बातों से हैं कि ये नग्न रहते हैं, तो वो कहते हैं ये सब जो दो बता रहे हो तुम, ये सब अतिव्याप्ति लक्षण है। अतिव्याप्ति मतलब ये अन्य में भी व्याप्त हैं, तो लक्षण जिनसे उनकी महानता तुम बताओ वो ऐसे होने चाहिए जो इनमें ही पाए जाए, अन्य में नहीं पाए जाए, तो इससे उनकी तो उससे तो ये पूज्य होंगे और अन्य पूज्य नहीं होंगे। और ऐसे लक्षण बताओगे जो अन्य में पाए जाते हैं तो फिर उनको भी गुरु माना जाए, उनको क्यों नहीं माना जाए, उनने क्या बिगाड़ा। तो लक्षण निर्धारित करना पड़ेगा ना अपने को, जैसे अपन कहते हैं और भगवान को नहीं मानना, इन देव को ही मानना, तो हम क्यों इनको क्यों मानना, लक्षण है इनके अंदर, कौन सा लक्षण, वीतरागता सर्वज्ञता, क्योंकि हम पूजा वीतरागता सर्वज्ञता की करते हैं, वो इनमें है अन्य में नहीं, ऐसे गुरु के अंदर है वो, बिल्कुल लक्षण घटने चाहिए सारे। सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, ज्ञान ज्ञान तत्व में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से बिल्कुल दूर होते हैं, कोसों दूर, और विषयों की इनके आश्रम, ये सारे लक्षण हैं। क्योंकि बाकी आपको जो भी बताओगे ना जितनी भी चीज़ें, ये तो वो सारी चीज़ें आप अन्य मत में भी देख सकते हो, तो लक्षण होना चाहिए। क्या मोक्ष और प्रकाशक में गुरु का स्वरूप बताया ना, व्यवहारवासी के अंदर बताया, तो उसने कहा कि गुरु की परीक्षा भी करता है कदाचित, तो किन चीज़ों से करता है, ये उनके शरीर आश्रित गुणों से करता है, नग्न रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, और बोले ये उनका सच्चा लक्षण नहीं है, उनका सच्चा लक्षण तो ज्ञान ज्ञान तप में लीन रहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से युक्त है, ये उनका सच्चा लक्षण, क्यों, क्योंकि वो सम्यक दर्शन चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अन्य में नहीं पाया जाता और इनमें ही पाया जाता है, इसलिए ये ही हमारे गुरु है और अन्य गुरु नहीं। रत्नत्रय से महान क्या, क्योंकि हम हमारा जैन धर्म जो है संप्रदायवादी दृष्टिकोण नहीं रखता, वो तो कहता है कि हमारे कोई भी हो, चाहे जैन कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, जैनी भी हो, लेकिन हम तो हमारी परीक्षा की कसौटी भी उसको कसेंगे। यदि वो जैन भगवान की आज्ञा को मानता है तो जैन, तो इसलिए जैसे हमने जैन की कसौटियाँ बना रखी है, ऐसे सबकी कसौटी बना रखी है, देव की, शास्त्र की, गुरु की, यहाँ तो कसौटी पे खड़ा उतरता है वो है। जे धर्म में अपना सगा पिता भी हो और यदि वो भी गलत मानता हो, गलत काम करता हो, तो धर्म तो उसकी भी वो नहीं करता, जरा भी क्या नहीं करता, लिहाज नहीं करता, होगा पिता हो तो हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसकी मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि ये तो जो वस्तु स्वरूप है उसके आधार पर चलता, ये तो जो अपने को आचार्यों ने जो लक्षण दिए, चिन्ह दिए, हर एक चीज की परीक्षा की कसौटी वो दे गए हमको अपने पास में, वो आधार है, और उस आधार को उन्होंने खुद ने हमें कसने के लिए कहा, यदि हम नहीं कसते तो हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते, यदि उन्होंने हमें देवगुरु धर्म का लक्षण दिया है, परीक्षा की कसौटी दी है, तो वो दी काहे के लिए, मैंने आपको कसौटी दी सोने की, और मैंने अपने बच्चे, मतलब जोड़ी ने अपने बच्चे को बिठाया,
बैठ बेटा, और ये कसौटी है और ये असली सोना है, कसौटी पे खड़ा, कसौटी पे कसना और मिला के देख लेना। ऐसे ही उन्होंने असली वस्तु स्वरूप बताया, कसौटी दे दी, कसो इससे मिल रहा है बिल्कुल बराबर, इससे नहीं मिल रहा है। कसौटी वो खुद दे गए ना, अब वो दे गए और अपन नहीं कसे तो फिर वो पढ़ने से मतलब क्या है। तो कई लोग कहते हैं कि अपने को परीक्षा करने का अधिकार नहीं, मैंने कहा अपने को ही तो परीक्षा करने के लिए कही है, परीक्षा कौन करेगा नहीं तो जो पूजेगा वही तो परीक्षा करेगा कि मेरे पूज्य है कि नहीं है। यदि मेरे को किसी को ढोक देनी है तो मैं पहले विचार तो करूंगा कि ये ढोक के लायक है कि नहीं, यदि मैं किसी को दान दूंगा तो पहले विचार करूंगा कि पात्र है कि नहीं, कोई वस्तु देऊंगा तो विचार करूंगा कि देने योग्य है कि नहीं, ये सब बातों का विचार तो करना ही पड़ेगा। और शास्त्र में जो चीज देने योग्य कही वही देंगे, जो देने योग्य नहीं हो कैसे देंगे। मुनिराज के लिए देने योग्य क्या कहा शास्त्र, आहार और औषध इन दो के अलावा कुछ नहीं, तीसरा यदि वो एक स्थान पे तो शास्त्र, उसके अलावा उनकी एक भी डिमांड है एक्स्ट्रा तो वो मुनि पद से, मतलब मुनि पद से नहीं है, एक इतनी सी भी डिमांड है ये होना वो होना ये होना भाई। उनको दान, उनको तो दो चीज चाहिए, अपना आहार भोजन चलाने के लिए आहार चाहिए, आहार ले ली, कदाचित शरीर में रुग्णता है रोग है औषधि, और यदि उनके लिए उनको स्वाध्याय आदि के लिए जरूरत है तो अपन ने शास्त्र दिया, बाकी और तीसरे अलावा कुछ नहीं। यदि इसके अलावा कुछ देता है तो वो उनको ही भ्रष्ट करता है, तो स्वयं वो तो दोष होगा जो होगा, लेकिन दोष देने वाले को भी वो इनको इन चक्कर में क्यों डाल रहा, क्योंकि वो तो सारा परिग्रह का दोष रहेगा ना भाई। आज अपन करते क्या है, आज अपन अपने कमा के, बड़े बड़े नेता होते हैं वो कमा के खुद खर्च करके मीटिंग बुलाते हैं तो हमने भी अपने इतने खर्च नहीं किया, हमने किसी पैसे खर्च करवा के, हमने उसका खर्च करवा के मीटिंग, काम तो वही का वही हुआ। हमें मतलब क्या है, हमें किसी का कुछ खर्च नहीं कराना, तुम्हें करना जो करो, हमें कोई वो नहीं, हमें यदि चाहिए हो तो हमें तो दो चीज दे देना, तुम आहार है और औषध, हमें इन दो चीजों की जरूरत, क्योंकि ये हमारे रत्नत्रय के साधन के लिए जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। क्या तो ये सब चीजें तो हमें देखनी तो पड़ेगी भैया, क्या करें, तो शास्त्र में जो लिखी है तो शास्त्र की मानना बंद करें, क्या करें। इसलिए वो कहा कि इसका सच्चा स्वरूप समझे पहले, तो सच्चा स्वरूप समझ के जो महिमा आती है वो असली महिमा होती है, फिर तो वो कह दे यदि जो कहे फिर तो सब बढ़िया। और वो क्या उपदेश देंगे, उनका उपदेश किसके लिए होगा बताओ, किस चीज के लिए होगा, वो तो हर जीव को ये कहेंगे कि तू स्वयं मोक्ष मार्ग में लग, सब दंद पंद छोड़। अरे अपन मैं कहता हूँ मुनिराज तो बहुत दूर, अब कोई ज्ञानी धर्मात्मा श्रावक होगा उसके पास भी कोई आएगा, आज अपने पास ही कोई आता है तो अपन क्या कहते हैं उसको, भाई तू सब काम छोड़, धन वन कमाना भी कम कर, आतुरता कम कर, सब काम बंद करके थोड़ा स्वाध्याय कर, तत्व विचार कर, यही उपदेश देंगे कि ये कहेंगे कि नहीं अपने काम करते हैं, हम सब पैसा इकट्ठा करते हैं, एक अच्छी बढ़िया है कि यहाँ पे जाल सभा ग्रह के अंदर अपनी क्लास चल, क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे अपन उसका, क्या। तो ये मतलब ये सब चीजें इसमें धर्म के अंदर मोक्ष मार्ग के अंदर इस सबसे कोई प्रयोजन नहीं है, धन से बड़ी बीमारी संसार में और कोई सी भी नहीं है। क्या और यदि ये नहीं होती बीमारी तो हम छोड़ते ही काहे के लिए इसको, कि इससे बड़ा कोई सारे मतलब कलह का संसार में सारे झगड़ों का कारण ही है, जहाँ धन है वहाँ कलह है, कषाय है, राग द्वेष आपूर्ता। इसलिए जिस चीज को छोड़ा है, जो उल्टी जो एक बार वमन कर दिया जिस चीज को, उसके चक्कर में फंस गए, और यदि फंसेंगे तो पूरा दिमाग उसमें उलझ जाएगा, तो ध्यान ध्यान तब भी कैसे रहे, दिमाग ना दिमाग एक काम कर सकता है, अपना दिमाग दो काम नहीं कर सकता, आपका दिमाग या तो इसमें लगा सकते हैं, या दिमाग अपन मैनेजमेंट में, लौकिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, लोगों की व्यवस्था में, आपने दिमाग उसमें लगा दिया इसमें लगे। अच्छा जिनवाणी भी ऐसी निरंतर अभ्यास रहता है तो ये चित्त में बनी रहती है, अभ्यास इसका छूट गया ऐसी पूर्व होती है खत्म, आप मत आओ 10-15 दिन का आसपुर देख, इसलिए अभ्यास निरंतर जरूर सतत 24 घंटे 12 महीने यही काम।
यदि इस काम में मन नहीं लगता तो फिर भी दिक्कत है। तो इसलिए ये स्वाध्याय के इन्होंने गुरु उपासना के गुरु की सबसे पहले स्वरूप समझे और फिर उनकी उपासना क्या उनकी उपासना ही है कि उनको मोक्ष मार्ग में उनको बराबर सहयोग प्रदान करें, उनको आहार दान देना, औषध दान देना, सब उनकी उपासना। इसके अलावा उनकी वैयावृत्ति आदि करना, यदि रोग हो रहा हो उनकी सेवा करना, जिस जिस प्रकार से उनको मोक्ष मार्ग में लगाए रखना। कदाचित वो मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहे हो तो उनको मोक्ष मार्ग में स्थापित कर देना, स्थिति करना, बल्कि उनके साथ साथ अपने को ही जाना, अपने को उनको मोक्ष मार्ग में स्थापित करना, महाराज करना तो यह कि कदाचित कोई चला हो जाए ऐसा, समझ में ना। तो ये इसलिए गुरु की उपासना, गुरु के मोक्ष मार्ग में सहयोग प्रदान करना ही उनकी सच्ची उपासना। जिस जिस प्रकार से उनका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न चलता है, कोई उनकी धर्म आराधना में कोई किसी प्रकार से कोई विघ्न ना। अब देखो ये पंच परमेष्ठी की हो गई, दो की उपासना हो गई, इसके बाद में तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो क्या है, सरल है एकदम, अपन तो इसकी बात करते ही पांच भेद है इसके, अपन अगली बार कर लेंगे ठीक है। स्वाध्याय, संयम, तप और दान, चारों कुछ।